गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, जो कि लिखा गया है बीएस नायपॉल के जरिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे लेखक के बारे में। तो इनका जो फुल नाम है वो विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल है, और इनका जन्म 17 अगस्त 1932 में हुआ और इनकी मृत्यु 11 अगस्त 2018 में हुई। इनका जो मुख्य काम है, मुख्य जो वर्क है, वो है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास इन अ फ्री स्टेट, अ बैंड इन द रिवर, द एनिग्मा ऑफ अराइवल। और जो इनका नॉन फिक्शन वर्क है वह है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, इंडिया अ मिलियन डिनीज नाउ। और इनको बुकर प्राइज मिला है जो कि 1971 में मिला था, और नोबेल प्राइज से भी इनको सम्मानित किया गया 2001 में। और सबसे बड़ी जो नोट करने वाली बात वो ये है कि 19वीं शताब्दी में इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो इंडिया छोड़कर ट्रिनिडाद चले गए थे। और जो बुक है इनकी वुंडेड सिविलाइजेशन, इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन, ये 1977 में पब्लिश हुई थी और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आप वुंडेड सिविलाइजेशन फर्स्ट पार्ट है जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, अ न्यू क्लेम ऑन द लैंड ये सेकंड पार्ट है जिसमें भी 2 चैप्टर्स हमारे लिखे हैं, नॉट आइडियाज बट ऑब्सेशन इसके अंदर 4 चैप्टर्स। इस तरीके से ये पूरी बुक जो है 8 चैप्टर्स में डिज़ाइन की गई है। तो अब देखिए बैकग्राउंड क्या है कि इस बुक को लिखने से पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी और क्यों ऐसा हुआ। तो नायपॉल विजिटेड इंडिया इन 1950, तो 1915 में इन्होंने नायपॉल ने भारत को विजिट किया था, विच वॉज द सेकेंड लॉन्ग स्टोरी ऑफ हिज इन इंडिया, ये भारत में दूसरी बार ये थे मौजूद थे। देर वॉज एन इमरजेंसी रूल बाई मिसेस इंदिरा गांधी, ये वो वक्त था जब इमरजेंसी लगी हुई थी भारत के अंदर, तो देर वॉज एन इमरजेंसी ही कुड नॉट डू और गेट एनी थिंग विद इमरजेंसी, बट ही वॉज सरप्राइज एट सींग दैट हिस्टोरिकल ड्यूंस, पॉलिटिकल अनरेस्ट, कल्चरल क्लैमिटी एंड रिलीजियस डेक्लाइन ऑफ द एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन। तो क्या था कि उस पर उन्होंने कहा, माना कि वो उनका कह पर जो सोच थी, परसेप्शन ये था कि इमरजेंसी लगी हुई है तो इस चक्कर में वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही कुछ मिल सका, मतलब जो वो चाहते थे वो चीज़ें उन्हें भारत में नज़र नहीं आई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सरप्राइज हुआ उन्हें ये देखकर हुआ कि यहाँ पे ऐतिहासिक बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी थी, पॉलिटिकल अनरेस्ट, चारों तरफ राजनीतिक अगर देखा जाए तो मतलब कहीं पीस नहीं था, शांति फैल चुकी थी, कल्चर क्लैमिटी, यहाँ तक सांस्कृतिक जो थी वो भी बिखर चुकी थी, एंड रिलीजियस डेक्लाइन, और यहाँ तक कि प्राचीन जो भारतीय सभ्यता थी वो भी उसकी भी धार्मिकता भी सब कुछ बदला, यानी राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हर चीज़ तबाह हो चुकी थी उस वक्त। तो इंडियन शुड नॉट फॉरगेट द कैपेबिलिटी, तो उनका मानना था कि भारतीयों को कभी भी अपनी क्षमता को नहीं भूलना चाहिए, विच दे हैव गेन्ड फ्रॉम द इंडिया, जो उन्हें विरासत में मिली थी। Which he also mentioned how India came under foreign in 1712 AD, और वो ये भी बताया है कि किस तरीके से भारत जो है फॉरन जो विदेशी थे 1712 में किस तरीके से उनके अंडर में आ गए थे, और विच एंडेड द रूल ऑफ हिंदू किंग, और उस तरीके से यहाँ पर हिंदुओं का राज भी समाप्त हो चुका था भारत विदेशियों के आते हुए। तो सिंबॉलिक डिफीट ऑफ हिंदू रूल ऑफ किंगडम, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें जो इसमें देखने को मिला, जो इन्होंने जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट किया वो है कि राज्य की हिंदुओं का जो राज्य था, हिंदुओं का जो शासन था वो किस तरीके से समाप्त हुआ, एक प्रतीक है किस चीज़ का। तो द मुस्लिम रूलर्स यूनाइटेड टुगेदर अगेंस्ट द हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर, तो विजयनगर एक बहुत ही फेमस जगह थी और बहुत ही एक हिंदू किंगडम के रूप में काफ़ी पॉपुलर था, तो उसके अगेंस्ट जितने मुस्लिम शासक थे वो सब इकट्ठा हो गए थे एंड प्रेस द हिंदू रूल, उन्होंने हिंदुओं के शासक को कुचल दिया था। दे डिफीटेड विजयनगर को जो वेरी बैडली, उन्होंने जो हिंदुओं का जो एक राज्य था विजयनगर उसको बुरी तरीके से हरा दिया। सो इन 1565 दे प्रूव द सुप्रीमेसी ऑफ मुस्लिम, इस तरीके से वहाँ पर मुस्लिमों का शासन हो चुका था। In 16th century, विजयनगर Hindu state as a ray of hope of revival of Hindu rule. तो 16वीं शताब्दी विजयनगर जो था वहाँ एक जो एक हिंदू स्टेट माना जाता था, एक प्रकार की उम्मीद की किरण थी कि वो शायद फिर से हिंदुओं का शासन वापस आएगा, कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, लेकिन वो उम्मीद भी टूट चुकी थी, ज़्यादा समय तक लोग इसको उम्मीद ना कर सके। नायपॉल मॉक्स एट हिंदू किंगडम फॉर द ब्रेक ऑफ स्टेनपुर, जो उसकी जो हिंदू राज्य की जो एक शक्ति होती है उसके प्रति वो मजाक बनाते, यानी वो उस पर एक कमेंट पास करते हैं, उसकी मजाक बनाते किस तरीके से हिंदू राज्य ने अपना राज्य खो दिया, मुस्लिम लीग यहाँ पर शासन बन गया।
तो विजयनगर जो कि एक प्रतीक था इसका, विजय का, एक विक्ट्री का, जीत का नगर सिटी, और ये वो सगर सिटी थी जो कि 14वीं शताब्दी में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन आज वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। इट वॉज कन्वर्ट, इसको जीत लिया गया था एंड टोटली डिस्ट्रॉयड बाई मुस्लिम रूलर्स इन 1565 में, मुस्लिम जो शासक थे उन्होंने इसको पूरी तरीके से हरा दिया था। तो दूसरा जो एक और भी चेंज जो इनको देखने को मिला, इंटेलेक्चुअल डिक्लाइनेशन, कि किस तरीके से भौतिकता जो लोगों की सोच थी वो भी किस तरीके से उसका पतन हुआ। इन दिस बुक ही आल्सो टॉक्ड अबाउट द डिक्लाइनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल नॉलेज ऑफ इंडिया, इस किताब में उन्होंने बात की है इंटेलेक्चुअल पतन की, भारत में किस तरीके से इंटेलेक्चुअल पतन हुआ। इन 1712 AD इंडिया केम अंडर फॉरेन रूल, तो यहाँ पर जो विदेशी लोग थे जो फॉरेनर्स थे वो 1712 AD में भारत आए थे, और फॉरेनर्स बिकेम एम्परर्स, और उस वक्त जो विदेशी लोग शासक बन चुके थे एंड इंडियंस हैड लॉस्ट द ग्लोरियस हेरिटेज ऑफ द कंट्री, और भारतीय लोग अपने देश की जो एक ग्लोरियस एक प्रतिष्ठा थी, एक विरासत थी, उसको भूल चुके थे, उसको खो चुके थे। द लैंग्वेज कल्चर एंड रिलीजियस थॉट्स पर अटैक एंड ट्रांसफॉर्म वैल्यू, और जो हमारी भाषा थी, जो हमारी भाषा थी, संस्कृति और धार्मिक विचार थे, वो सब उन पर अटैक किया गया था और उनको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। तो संस्कृत की जगह अरबिक लैंग्वेज आ गई, ड्रेस कोड भी लोगों का चेंज हो चुका था, वीमेंस कंडीशन बट आल्सो चेंज, यहाँ तक वीमेंस की कंडीशन भी चेंज हो गई थी, दे हैड टू लिव इन विल, अब यहाँ की स्त्रियों को पर्दे में रहना पड़ा था। रिलीजियस थॉट एंड डेली में जो तीसरा जो चेंज आया वो चेंज ये था कि धार्मिक जो विचारधारा थी वो भी परिवर्तित हुई थी। द नाइपल मॉन्क्स एट हिंदू रिलीजन, इस तरीके से उन्होंने नाइपल देव वो हिंदू धर्म के ऊपर का मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि हिंदू रिलीजन टीचेस अस द एस्केपिस्ट एटीट्यूड ऑफ लाइफ, कि हिंदू धर्म को सिखाता है कि जीवन का जो दृष्टिकोण उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं, किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम से बचाता है। इफ द प्रॉब्लम कम्स टू देम, यदि प्रॉब्लम उनके पास आती है तो द रिलीजियस थॉट्स फेल टू देखा कि वही धर्म जब लोगों के पास प्रॉब्लम है, जब विदेशों ने अटैक किया, जब मुस्लिम ने उनके ऊपर अटैक किया, वो अपने धर्म, वो जो धर्म था उनकी रक्षा नहीं कर सका, उनको इतनी हिम्मत नहीं दे सका कि उसको फाइट कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट था द पैथेटिक कंडीशन ऑफ इंडियन स्टेट, तो एक भारतीय स्टेट था, हालांकि बहुत सारे स्टेट पर इन सबका फर्क पड़ा था, असर हुआ था, लेकिन हमने यहाँ बिहार को ज्यादा टेंशन किया है। तो बिहार इज वेल नोन फॉर इट्स कास्टिज्म, क्योंकि बिहार एक ऐसी जगह थी जो जातिवाद के लिए काफी पॉपुलर थी। द ग्रेट पर्सनैलिटी लाइक महावीर हु स्प्रेड जेनरेज एंड टॉट द लेसन ऑफ लव एंड नॉन वायलेंस, जो महान व्यक्तित्व थे महावीर की, उन्होंने जैन धर्म को फैलाया था और उन्होंने लव एंड नॉन वायलेंस, प्यार प्रेम और अहिंसा के पाठ को सिखाया। बुद्धिस्ट वाज गॉड एनलाइटेड व्हेन इन गया, और गया जो जगह है बिहार में वहाँ पर बुद्ध धर्म पूरी तरीके से स्थापित हो चुका था और एनलाइटेड यानी पॉपुलर था उस वक्त। देयर वाज आल्सो एन इंटेलेक्चुअल रूल, और वहाँ पर बौद्धिकता एक नियम माना जाता था, वो था नोन एज नालंदा, यानी नालंदा एक ऐसी प्लेस है जो बौद्धिक इंटेलेक्चुअल, जहाँ बुद्धिमत्ता लोग रहते थे, यानी एक जो एक ज्ञान को फैलाने वाला एक ऐसा प्लेस था और काफ़ी पॉपुलर था, उसको इंटेलेक्चुअल रूल के रूप में जाना जाता था बिहार में। बट नाउ इट इज़ नोन फॉर पॉवर्टी वायलेंस एंड क्रुएल्टी, वो जो इंटेलेक्चुअल रूप में आता आज हम उसको पॉवर्टी के रूप में, गरीबी, हिंसा और क्रुएल्टी के रूप में जानते हैं। बिहार पीपल नोन एज बिहारी माइग्रेटेड फ्रॉम टू अदर बिहार टू अदर स्टेट लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, और बिहार के लोग जो कि भारत, जो कि बिहार को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाके रहने लगे, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, और अब उनको बिहारी के नाम से जाना जाता है। नक्सल मूवमेंट, और उसी वक्त एक नक्सल मूवमेंट भी लगा था, नक्सल मूवमेंट था जो कि जमींदारों के प्रति एक आंदोलन था, जब जो लैंड थी उसका असमान वितरण होने लगा था। तो इट स्प्रेड इन बंगाल, ये मूवमेंट कहाँ फैला था, बंगाल में। इट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, और ये उन जमींदारों के विरुद्ध था। इट वॉज रिलेटेड टू अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पीपल, लेड टू दिस मूवमेंट, जब वहाँ लोगों में जब भूमि का विभाजन हुआ था तो वो अनइक्वल था, यानी एक तरीके से नहीं, एक समान नहीं था, और इसी चीज़ ने इस मूवमेंट को जन्म दे दिया। दिस मूवमेंट बिकेम वायलेंट, और ये मूवमेंट काफ़ी वायलेंट हिंसक प्रवृत्ति, हिंसक रूप इसने ले लिया था। एंड इट क्लेम्ड द लाइफ ऑफ सेवरल इनोसेंट, और ना जाने कितने
निर्दोष लोगों की जान इसमें चली गई थी। नेक्स्ट के पास एन इंटेलेक्टिव ट्रेजेडी, इसको एक इंटेलेक्टिव ट्रेजेडी क्योंकि कहा गया है। ट्रेजेडी ऑफ आइडल इज आदर्शवाद की ट्रेजेडी क्योंकि माना जाता है। इग्नोरेंस अज्ञानता मिमिक्री ऑफ मिडिल क्लास है, तो यहाँ देखिए भारत का जो मध्य वर्ग था उसके प्रति पूरी तरीके यानी मध्य वर्ग पूरे से समाप्त हो चुका था, यानी वो क्योंकि लोगों के प्रति असमान प्रसन्न था भूमिका, तो कहने का मतलब है काफी गरीबी और अमीर इनके बीच में काफी मतभेद होने लगे थे। तो नाइपॉल बिलीव्स दैट द इंडिया हैज सो मच टू लर्न टू एस्केप। जो बी एस नाइपॉल, उनका भी ये कहना है कि भारत को भी बहुत कुछ सीखना है, यानी वो सीखा है लेकिन वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता इन सब चीज़ों को। शी हैज बोरोड सेवरल थिंग्स फ्रॉम इंडियन फॉरेन इंस्टीट्यूशन, विदेशी इंस्टीट्यूशन से बहुत सारी चीज़ों को बोरो किया है, बट फेल टू एक्सेप्ट दैट इन हर ओन वे, लेकिन उसने अपने खुद तरीके से, यानी कहने का मतलब भारत बहुत सारी चीज़ों को बोरो करता है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो उसको अपने तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर। जैसे हम कह सकते हैं कि आज भी हम इंग्लिश भाषा को विदेशी भाषा बोलते हैं जबकि इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, विदेशी भाषा बोलते हैं। लेकिन जिस दिन हम इसको अपनी ही भाषा समझने लग जाएंगे तो शायद हमें इंग्लिश लैंग्वेज भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। तो वही था। तो इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम इन्वेंशन, इन्वेंशन की गरीबी, तो भारत जो उस गरीबी से मुक्त हो गया। बट शी हैज टू लर्न लिव बाय हर ओन थॉट, लेकिन आज उसको अपने विचारों, उस विचारों के आधार पर उसको भी जीना सीखना है। एज ही सेट ऑन गांधीयन, जैसे कि उन्होंने गांधीयन के ऊपर भी कहा है, गांधी गेव इंडिया इट्स पॉलिटिक्स, गांधी जी ने भारत को पॉलिटिक्स दी। ही मेड देम सर्व वन एनदर, उन्होंने लोगों को सिखाया कि एक दूसरे की सेवा करो। Brought about an awakening, लोगों में एक दूसरे के प्रति मतलब लोगों में जागृति फैलाओ। बट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट पीपल नेगलेक्ट कर लेते थे, लेकिन देश इंडिपेंडेंट होने के बाद लोग एक दूसरे को नेगलेक्ट करने लगे। नो वन कैन सर्वाइव ऑन गांधी फैंटेसी द स्पिरिचुअलिटी, और गांधी जी की जो फैंटेसी, जो विश्वास था एक आध्यात्मिक, उस पर कोई टिक नहीं पाया, यानी कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता यानी ज़्यादा लंबे समय तक। इट टर्न्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ नेशनल एसेट, ये सब चीज़ें एक नेशनल असेंबली का रूप ले लिया। हु अवेयरली वोट इनटू रियलिज्म, जिसको हम वास्तविकता का नाम देते हैं, डेट इट वॉज ऑलवेज, जो हमेशा से था, यानी आदर्शवाद पहले भी था, रियलिज्म वास्तविकता पहले भी थी, आज भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब बीस नवंबर जब भारत आए थे सेकेंड टाइम, तो उस वक्त क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई थी, तो उस चक्कर में वो जो चाहते थे वो नहीं कर पाए। जिस रूप में वो भारत को देखना चाहते थे उस रूप में नहीं देख पाए, जिस रूप में उन्होंने भारत के बारे में सुना था या कि संस्कृति के बारे में सुना था वो चीज़ उन्हें नहीं देख पाए, क्योंकि इमरजेंसी लगी थी और हम कुछ समय के लिए वहाँ पर जो है लोगों के बीच में मतभेद हो गए थे, चीज़ें बर्बाद भी हुई थी, लेकिन वो ओनली फॉर द शॉर्ट टाइम। लेकिन ये जो बुक लिखी गई उसी ट्रेवल लॉग कहा जाता है, ट्रेवल लॉग का मतलब होता है जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं और यात्रा के दौरान जो भी चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं, जब उसको हम अभी किताब में लिख देते हैं, वो हमारे ट्रेवल लॉग है। तो ये ट्रेवल लॉग राइटिंग है जो उन्होंने लिखा, जबकि भारत की तस्वीर कुछ अलग है, लेकिन तस्वीर ये भी सही है, ये उस वक्त की तस्वीर जब उन्होंने इस रूप में उसको देखा, जो उस वक्त का उनका परसेप्शन था। लेकिन उसके बाद उसकी हालत काफ़ी चेंज हुई, वो ओनली शॉर्ट लिव था। ओके, तो वी कैन से दैट नॉर्मल चेस्ट ऑल वाइटल इश्यूज ऑफ इंडिया इन हिज नरेशन ऑफ द ट्रेवल ऑफ इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। इस तरीके से जो ट्रेवल ऑफ है जहाँ पर यात्रा का वृत्तांत किया है, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, उन्होंने अपनी इस कहानी में, अपने इस किताब में सभी भारत के जो छोटे छोटे इशू और विशाल इशूज भी हैं सबको इसके अंदर शामिल किया है। उम्मीद करती हूँ शायद आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर।